तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीक पॉइंट्स ऑफ बॉडी। वीक पॉइंट्स ऑफ बॉडी को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं किसी को हिट करने के लिए, किसी को ऐसी चोट पहुँचाना है कि आपके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ चुका है और वहाँ पे आपको दोस्तों उसे हिट करना है, नहीं तो आप जान ले लेगा कि यहाँ पे आप अपना डिफेंस किस तरीके से रहेंगे। आपको दोस्तों मैं कुछ वीक पॉइंट बताने वाला हूँ, गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर ये सामने खड़ी है, बॉडी स्ट्रक्चर ये सामने खड़ी है, तो पहला वीक पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आप नेकल्स बनाएंगे। नेकल्स कैसे बनते हैं, इस तरीके से खड़ा, पंच नहीं, ये नेकल्स है, ठीक है, जैसे ये उंगलियां खड़ी होती है उस तरीके से नेकल्स है। पर आपको हिट करना है इसके ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे आँखों के बगल में, जस्ट ब्रेन पे, तो तुरंत चक्कर जैसा आ जाएगा, गिर पड़ेगा बंदा, पावरफुल मारना है। और ऐसा नहीं कि इससे उसे डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेथ नहीं होगी, वो नर्वस होकर गिर जाएगा। दूसरा जो वीक पॉइंट है वो है दोस्तों स्ट्रेट नाक, नाक के ऊपर सीधा, जो नाक की दोस्तों जो हड्डी होती है काफ़ी नाजुक होती है, सीधा अगर आपने पंच स्ट्रेट मारा है नाक के ऊपर तो तुरंत बंदे के आंखों में आंसू आ जाएंगे, तुरंत वो पीछे हट जाएगा, नर्वस हो जाएगा। उसके बाद एक आता है ये, अगर आप पास में खड़े हैं यहाँ से आप इसे चिन के ऊपर यहाँ पे झटका मार सकते हैं इस तरीके से, और दूर भी हैं तो आप यहाँ से घुस करके इसमें पंच मार सकते हैं। तीसरा टेक्निक हो गया ये। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बहुत मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, थ्रॉट। कई लोग सोचते हैं यहाँ मार देना, यहाँ नहीं मारना है, इसके जस्ट बगल में, एक इंच बगल में मारना है, ये खड़े हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आइए मैं पास से आपको दिखाता हूँ। आपको मारना है साइड में, ये जो नस खड़ी होती है, जैसे कोई घूम कर कैसे देखता है, जो नस खड़ी होती है उसके ऊपर मारना है, तुरंत बंदे और चक्कर आ जाएगा, वहीं गिर पड़ेगा वो, ठीक है। अगर आप थ्रोट के ऊपर मार भी ना तो हल्का मारना है, झटका, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, उसी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं मार देना, ठीक है। नॉर्मल हल्का से जर्क मारना है, जैसे चेस्ट में मारे दिखा रहा हूँ, इतना मारे और पीछे हट गए इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नीचे हल्का सा, यहाँ पे, अब ये देखिए ये बंदा है, अब मुझे अगर इस बंदे को गिरा देना एक ही बार में तो किक या पंच का यूज़ करके मैं इसके पसलियों पर अटैक कर सकता हूँ। पसलियाँ हैं यहाँ पे, आप सीधे अटैक करेंगे तो इस पसलियों पे बहुत अंतर तक की चोट बैठती है। उसके बाद चेस्ट, दोनों चेस्ट का जो जोड़ होता है, एक इस तरफ को एक इस तरफ, इसके एक इंच नीचे जो हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है उसमें मारना है पंच आपको खींच करके। वहाँ पे पंच मारने से कलेजे के ऊपर हल्का सा वाइब्रेशन होता है और बंदे की हल्की सी सांस रुकती है। ज़्यादा जोर से नहीं मार देना है, वो डैमेज हो जाए बहुत बुरी तरीके से, नहीं मार देना है कि वो डैमेज ही हो जाए, हल्का सा अगर करें बिना डैमेज तो हल्का सा पंच मारे और दूर हट गए, उससे अपनी जान बचा ली, जान बचाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं और नीचे, मान लीजिए कि बंदा आपके ऊपर हद से ज़्यादा हावी हो रहा है तो हल्का सा पैर उठाना है और उसके हाइड्रोसिल पे मार देना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है कि उसकी जान निकल जाए, बस हल्का सा उठाना है और हाइड्रोसिल पे हिट कर देना है। उसके बाद मान लीजिए थाई, अगर बंदा सीधा खड़ा है नॉर्मल, अब आप जिमर मारेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिमर जैसा बॉडी शॉडी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि थाई अगर वो नॉर्मल खड़ा है स्पेस पे, यहाँ से आप उसके थाई के ऊपर हड्डी टेस्ट से उसके थाई के ऊपर खड़ा अटैक करेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट बैठती है। उसके बाद मान लीजिए कि बंदा सामने से आ रहा है और आपको उसको गिरा देना मार करके, तो वहाँ पर आप सीधा मारेंगे उसके नी के ऊपर, यहाँ से ये इधर, तुरंत बंदा पीछे हटेगा और आप वहाँ से विन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे को आपको बैक साइड से मारने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे आप कैसे करेंगे, दोस्तों आपको अटैक करना है उसके हेड के नीचे, यानी कि ये देखिए, ये जहाँ पे, ये जहाँ से गर्दन डाउन होती है वहाँ पे, ये चीज़ जहाँ पे मान लीजिए कि उससे बाल ख़त्म हुए हैं, अब हल्का सा आप किसी अपने फ्रेंड के ऊपर रख कर एक हाथ रखिए और इस तरीके से मार के देखिए, हल्का सा ट्राई करके देखिए कितने जोर का उसे प्रेशर बैठेगा, तुरंत तो उसे चक्कर टाइप का आ जाएगा, वहीं गिर जाएगा। अगर आपको किसी को मान लीजिए कोई गन उन लगाया हुआ किसी के ऊपर, उसको बेहोश करना है तो उसके लिए टेक्निक है, सीधे रखिए और एल्बो खींच करके उसके माथे पे मारिए, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा वो। तो भाइयों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।